रिलायंस की ओर से एक जेन्युइन स्कॉलरशिप जो हर साल आती है वो इस बार भी आ चुकी है। ये जो रिलायंस की स्कॉलरशिप है वो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के होते हैं उनके लिए होती है। तो क्या है इनका क्राइटेरिया, कितना अमाउंट आपको मिल सकता है, कैसे अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, ये सारी चीजों के साथ आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ आ चुका हूं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले स्कॉलरशिप की डेली अपडेट्स के लिए हमारी व्हाट्सएप चैनल प्रिय सर विद्यापीठ जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है वो ज्वाइन करना ना भूले, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना भी मत भूलना। यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रिय सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब हम देखते हैं, पहले तो हम ऑफिशियल न्यूज देखते हैं। रिलायंस फाउंडेशन के ऊपर ये ऑफिशियल न्यूज आ चुका है, सेलिब्रेटिंग एक्सलेंस 5100 रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2024-25 ओपन फॉर ऑल एप्लीकेंट। तो ऑफिशियल न्यूज यहां पे आ गया है, यूजी एंड पीजी के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है ये स्कॉलरशिप। अब वन बाय वन ये स्कॉलरशिप के बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप है उसके अंदर 200,000 रुपीज अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मिल सकते हैं, अपटू 600,000 फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ओवर द ड्यूरेशन ऑफ डिग्री। मतलब अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अब देखते हैं नीचे लास्ट डेट, पहले तो नोट डाउन कर लीजिए 6 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। अब मैं पहले बात कर लेता हूं पोस्ट ग्रेजुएट मतलब मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ओनली स्टूडेंट्स वो आर एनरोल इन अ फर्स्ट ईयर फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। मतलब जो भी स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट में है मास्टर्स के अंदर है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है फुल टाइम, वो चाहे इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, एनर्जी हो या फिर लाइफ साइंस हो, आपका गेट का स्कोर 550 या फिर 1000 इन द गेट एग्जामिनेशन मस्ट हैव सिक्योर्ड 550 आपका 550 या 1000 मतलब 550 से 1000 तक आपका गेट के अंदर नंबर होना चाहिए। मस्ट हैव स्कोर 7.5 और अबव इन द अंडर ग्रेजुएट। मतलब अगर ये नहीं हो रहा है, गेट वाला नहीं है, तो आपके 7.5 से ज्यादा मार्क्स CGPI होने चाहिए आपके डिग्री के डिप्लोमा जो आपने डिग्री करी थी बैचलर उसके अंदर, है ना, गेट अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो। और इंडिया के आप सिटीजन होने चाहिए। आपको 6,00,000 तक की स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको मिल सकती है। डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट लिखी है कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है और अप्लाई नाउ बटन है। अब जो मेन चीज है उसके लिए हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स, तो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप भी इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, क्लास 12 आपने 60% मार्क्स के साथ पास किया होना चाहिए, क्लियरली यहाँ पे लिखा है, और मोस्टली सभी स्टूडेंट्स फुल टाइम में ही होते हैं यूजी के अंदर। तो और आपका फैमिली इनकम 15,00,000 पर ईयर से कम होना चाहिए। तो देखो ये अच्छा एक बोला है, प्रीफर गिवन टू इनकम लेस देन, अगर आपकी घर की इनकम 2.5 लाख से कम है तो उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। आंसर द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट, एक एप्टीट्यूड टेस्ट के आपको आंसर यहाँ पे देने पड़ेंगे। क्या क्या लिखा है, स्टूडेंट्स हु आर इन द सेकंड ईयर और हायर हैव स्टार्टेड देयर कोर्स फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2023-24। मतलब प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स है वो एलिजिबल इसमें नहीं है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही एलिजिबल। स्टूडेंट परस्यूइंग देयर डिग्री थ्रू ऑनलाइन हाइब्रिड रिमोट, मतलब ऑनलाइन डिग्री के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ऑफलाइन ही होनी चाहिए। आपने 10th पास किया है और आप डिप्लोमा में आ रहे हो तो आपके लिए ये नहीं है। स्टूडेंट परस्यूइंग अ 2-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अगर 2 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम डिग्री कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। स्टूडेंट्स वो डू नॉट कंप्लीट द मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट और आर फाउंड चीटिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, मतलब टेस्ट में आपको कोई भी चीटिंग करनी नहीं है, खास ध्यान में रखना है। 2,00,000 आपको मिलेगी डिग्री प्रोग्राम के लिए, खास ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट कौन सा रिक्वायरमेंट है, तो एप्लीकेशन का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, आपके एड्रेस का प्रूफ चाहिए, 10th एंड 12th की मार्कशीट्स चाहिए, कॉलेज में आप एनरोल हुए हैं उसका सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट नंबर ऑफ एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ही चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए आपका, फैमिली इनकम का प्रूफ चाहिए, ऑफिशियल प्रूफ चाहिए, और अगर आप डिसेबल स्टूडेंट्स हो तो गवर्नमेंट का डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे चाहिए। सिंपल आपको एक अप्लाई करना है, एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद लिखा है क्या, सबमिट द डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, एक क्वेश्चन आंसर की एक क्वेश्चनरी आएगी, वो क्वेश्चनरी के आंसर्स देने हैं और फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं, ऑल एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन ऑनलाइन मैंडेटरी एप्टीट्यूड टेस्ट, आपको आपकी ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पे कंपलसरी देनी है। वंस एप्लीकेशन इज सबमिटेड एप्लीकेशन विल रिसीव अ कंफर्मेशन, आपको एक कंफर्मेशन का ईमेल आएगा ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम का एक ईमेल आने वाला है, और इंस्ट्रक्शन फॉर सिस्टम कैपेबिलिटी चेक, मतलब आपकी जो सिस्टम है कंप्यूटर की वो परफेक्ट है उस एग्जामिनेशन के लिए, उसका भी डिटेल्स वहां पे आएगा। एप्लीकेंट्स विल रिसीव अ ईमेल विद अन यूनिक लिंक टू परफॉर्म अ प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट के लिए आपको एक यूनिक लिंक दी जाएगी, यूनिक लिंक फॉर द फाइनल एग्जाम विल बी सेंट 1 day बिफोर, आपकी जब एग्जामिनेशन की डेट होगी उससे 1 दिन पहले आपको वहां पे लिंक दी जाएगी। एप्लीकेंट्स विल बी कंसिडर कंप्लीट
ओनली वेन यू हैव कम्प्लीट द एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर विल बी डायरेक्टली सेंड टू द रिलायंस फाउंडेशन वंस द टेस्ट इज सबमिटेड एप्लीकेंट्स विल नॉट बी नोटिफाइड अबाउट दैट स्कोर आपको आपका स्कोर पता नहीं चलेगा वो आगे भेज दिया जाएगा द रिलायंस फाउंडेशन डज नॉट चार्ज एनी एप्लीकेशन फी मतलब यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन फीस है ये एग्जाम की और ये स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है तो विदाउट फीस है एक एग्जामिनेशन आपको करना है इनके जो क्राइटेरिया है उसके क्राइटेरिया में आना है तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी एक जेन्यून स्कॉलरशिप है खास अप्लाई करना 6 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट है 6 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट है तो एक अच्छी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई करना लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं कोई भी डाउट आते हैं तो इनकी हेल्पलाइन पे और इनके मेल आईडी पे आप मेल और कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकते हैं तो एक अच्छी स्कॉलरशिप है जरूर अप्लाई करिए आपके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी पता चले ये स्कॉलरशिप के बारे में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है मिलते हैं ऐसी कोई नई स्कॉलरशिप के वीडियो के साथ टिल देन बाय बाय टेक केयर।